हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ के इस वीडियो में शुरू करते हैं यूपीएससी मिशन का एक और वीडियो। ये वीडियो है 20 जुलाई का, तो 20 जुलाई के करंट अफेयर से इसमें 11 क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपको अपना स्कोर कमेंट्स में लिखना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। StudyIQ के पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं और कल सोमवार को यानी 23 तारीख को हमारी लास्ट डे है सेल का, तो आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और टेस्ट सीरीज भी हमारी अवेलेबल है, और कई सारे स्टेट पीसीएस के लिए, हमारे 11 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए स्टेट पीसीएस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। सर, सबसे पहला सवाल, ये उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, द्रुतगामी जो राजमार्ग होता है उसे एक्सप्रेसवे बोलते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है लखनऊ और इसका जो एंड पॉइंट है वो है गाजीपुर, यानी ये लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करेगा, ये ठीक है। दूसरा, ये पीपीपी मोड में बन रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नहीं ये गलत है, ये ईपीसी मोड में बन रहा है। ईपीसी जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड होता है, दोनों में क्या फर्क है पीपीपी और ईपीसी में, और कौन सा बेटर है? देखो, पीपीपी मोड में ये होता है कि सरकार भी पैसा लगाती है और प्राइवेट कंपनी भी पैसा लगाती है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है, कई बार प्राइवेट कंपनी के पास पैसा नहीं होता तो वो प्रोजेक्ट अटक जाता है, और पीपीपी प्रोजेक्ट्स की वजह से भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक्स के हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इसमें कई और प्रॉब्लम आती हैं, जैसे जो प्राइवेट कंपनी हैं वो कई बार बहुत स्लो होती हैं, कई बार सरकार और प्राइवेट कंपनी के जो काम करने के तरीके हैं उनमें एक काफ़ी डिफरेंस होता है। तो पीपीपी मोड जो काफ़ी स्लो था इसलिए अब आ गया है ईपीसी मोड। ईपीसी मोड में ये है कि सारी की सारी जो क्लियरेंस लेनी होगी सरकार लेगी, सारा का सारा पैसा सरकार लगाएगी, सिर्फ जो ठेकेदारी है वो प्राइवेट कंपनी को दे देगी, तो इससे जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी फास्ट होता है, तो इसलिए आजकल पीपीपी की बजाय ईपीसी मोड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, ये पीपीपी में नहीं बन रहा, ये ईपीसी में बन रहा है। तीसरा, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसको बनने का जो मेन कारण है वो ये है कि दिल्ली को हमें डीकंजेस्ट करना है, यानी दिल्ली में जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है उसकी समस्या, तो दिल्ली में से जो गाड़ियाँ हैं वो निकालनी है, ये बिल्कुल गलत है। वो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है जिसकी बात हो रही है दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए, ये वाला नहीं है। ये तो मतलब जो लखनऊ है और उस गाजीपुर जो मतलब यूपी के कम से कम 9 जिले हैं जिन्हें आपस में जोड़ेगा, इसका दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, तो सी जो है वो गलत है। बी भी गलत है, सी भी गलत है, सिर्फ ए ठीक है, आंसर है फर्स्ट, ओनली ए इज करेक्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई सारे मेंबर हैं जिनको राज्यसभा में वो किया है, नॉमिनेट किया है, जैसे सोनल मानसिंह है जो फेमस नृत्यांगना है, या दूसरे लोग हैं। तो आपको यह बताना है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, उनके बारे में क्या ठीक है। और आपको बता दूं, ये आर्टिकल भी याद रख लो, आर्टिकल होता है 80, आर्टिकल 80 के तहत ये जो मेंबर हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं, और राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है इसलिए 250, क्योंकि 238 प्लस 12। अब सबसे पहला ऑप्शन, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा में, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते हैं, नहीं ये गलत है। एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 लोग होते हैं जो लोकसभा में जाते हैं लेकिन राज्यसभा में नहीं जाते। दूसरा, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट नहीं डाल सकते, नॉट एंटाइटल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं अगर राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यस ये भी ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी वो है, डिफरेंस है, विडंबना है एक थोड़ी सी, कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते, और जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, और जब राष्ट्रपति को रिमूव करने के लिए अगर मान लो कभी ऐसी नौबत आए उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें बी और सी ठीक है, आंसर है सेकंड, बी एंड सी आर करेक्ट। और आर्टिकल 80 ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 80। चले बातें क्वेश्चन नंबर 3 पे। असम की सरकार ने एक डायन प्रताड़ना यानी विच हंटिंग का जो बिल है वो पास करा है, मतलब असम ने तो पास कर दिया था, अब राष्ट्रपति अपनी जो मोहर है वो इस पर लगा देगा, तो अधिनियम ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि असम का जो विच हंटिंग का जो कानून है उसके बारे में क्या ठीक है। विच हंटिंग क्या होती है आपको मैं बता देता हूं, जैसे ये एक अंधविश्वास है बेसिकली, ठीक है, और ये जो अनएजुकेटेड जो क्लास है उसमें देखा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया हैं या जो जो जहाँ पे अंधविश्वास पनपता है, जहाँ पे आधुनिकता का अभाव है, डेवलपमेंट विकास का अभाव है, उन एरियाज में होता है।
तो कई लोगों में ऐसा माना जाता है कि कोई शैतानी ताकत आ गई, या ये तो डायन है, या ये भूत है इसके अंदर, इस तरह का, और फिर उनको समाज से बहिष्कार उनका कर दिया जाता है। कई बार लोग उनसे ठीक से बात नहीं करते, उनको समाज में जगह नहीं देते, कई बार लोग भीड़ उनको मार देती है कि भाई इसमें तो भूत है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, कई तरह के अंधविश्वास होते हैं। तो विच हंटिंग का जो ये विधेयक है, कानून आएगा, ये विच हंटिंग को ख़त्म करने के लिए आएगा। तो इसके मुताबिक क्या क्या ठीक है, तो सबसे पहला 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अगर किसी को आपने विच यानी डायन कहा, या उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की एज अ विच। यानी अगर मान लो कोई गांव है, उसमें कोई व्यक्ति है जो कहता है कि वो डायन है, या वो उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए एज अ विच, या उसको बुलाता है विच कह के, तो 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें हो सकता है, ये ठीक है। सेक्शन 302 हमारे जो इंडियन पिनल कोड है, भारतीय जो दंड संहिता है, उसका जो सेक्शन 302 है, धारा 302, वो लागू नहीं होगी विच हंटिंग बिल में। देखिए कई बार क्या होता है कि विच हंटिंग में सिर्फ एक इंसल्ट वाला वो आता है कि भाई जो किसी अगर औरत को आपने डायन कह दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया और वो सब, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर भीड़ ने उसको मार दिया मिलके, तो फिर उन पर डेफिनेटली सेक्शन 302 लगेगा, यानी मर्डर के केस में तो लगेगा ही सेक्शन 302। तो बी वाला जो है वो गलत है, सेक्शन 302 जो है वो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, या कोई भीड़ तंत्र या किसी भी प्रणाली के थ्रू उसका मर्डर हो जाता है। तीसरा, जो फाइन है, जैसे 5 लाख रुपए का फाइन है किसी को विच कह दिया, तो ये जो फाइन है, ये जो पीड़ित है उसको या उसके परिवार वालों को दिया जाएगा। यस, ये बिल्कुल ठीक है, सी भी बिल्कुल ठीक है। और आपको इसमें ये भी बता दूं, अगर मान लो कई बार क्या होता है कि समाज इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करता है किसी को कि वो व्यक्ति खुद ही सुसाइड कर लेता है, अगर ऐसा होता है, अगर मान लो भीड़ ने या किसी व्यक्ति ने ये कोशिश की कि दूसरे बंदे से उसको, जिसे बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड, उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, तो उसमें लाइफ टाइम उसको जेल में रहना पड़ सकता है, लाइफ टाइम उसे जेल में रहना पड़ सकता है, और 5 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। तो इसमें ए ठीक है और सी ठीक है, तो आंसर हो गया ए एंड सी आर करेक्ट, यानी कि फर्स्ट। चले बातें क्वेश्चन नंबर 4 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो माइग्रेशन के इश्यूज हैं, माइग्रेशन मतलब होता है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब देखो, लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से भी जा सकते हैं और मजबूरी में भी जा सकते हैं। अभी जैसे जो म्यांमार छोड़ के रोहिंग्या मुसलमान जा रहे हैं बांग्लादेश में या भारत में आ रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। यानी कई बार जो माइग्रेशन होता है वो फोर्स्ड होता है, लेकिन कई बार माइग्रेशन मर्जी से होता है। अब जो भारत से कनाडा जाता है पैसा कमाने कोई व्यक्ति, या मिडल ईस्ट में जाते हैं जो काम कर रहे हैं सऊदी अरब वगैरह में, तो वो सब अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, या इमिग्रेशन मतलब अपने देश में दूसरे लोगों का आना, और एमिग्रेशन मतलब अपने देश में से दूसरों का, मतलब अपने ही लोगों का दूसरे देश में जाना। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो माइग्रेशन है वो कानून के हिसाब से हो, लीगलाइज्ड हो, फेयर हो, माइग्रेशन जो लोग कर रहे हैं उनके मानवाधिकारों को मेक श्योर करे, इसके लिए पहली एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट साइन करी है यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। उसके बारे में क्या ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये औपचारिक तौर पर एडॉप्ट किया जाएगा वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा मोरक्को में दिसंबर 2018 में, ये ठीक है। ये एग्रीमेंट दिसंबर 2018 में औपचारिक तौर पर ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाएगा वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। तीसरा, जो भी कंट्रीज हैं जो इसको साइन करेंगे ग्लोबल कॉम्पैक्ट को, उन पे ये लीगली बाइंडिंग होगा, यानी कानूनी तौर पर वो बाध्य होंगे। मतलब अगर मान लो कोई माइग्रेंट हैं, कोई शरणार्थी हैं, उनको वो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, तो कानूनी तौर पर फिर उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। नहीं, ये गलत है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, याद रखिए, दिस ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। तीसरा, इसमें 23 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनसे माइग्रेशन रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सुलझाया जाएगा, ये ठीक है। इसमें 23 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एनलिस्ट किए गए हैं। तो इसमें ए और सी ठीक है, तो इसका आंसर है फोर्थ, ए एंड सी आर करेक्ट। चले बातें क्वेश्चन नंबर 5 पे। ब्रह्मोस मिसाइल का हमने सफल परीक्षण करा है, तो आपको बताना है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में इनमें कौन सा ठीक है। सबसे पहला, ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता है, जो रेंज है, वो अग्नि 1 मिसाइल के कंपेरेबल है। यानी जितनी अग्नि 1 मिसाइल की जो मारक क्षमता है उसी के आसपास है ब्रह्मोस मिसाइल की। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता है लगभग 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर, और अग्नि 1 की है लगभग 750 से 900 किलोमीटर, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल की हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो ऐसे जाती है, पहले ऊपर और फिर ऐसे, और क्रूज मिसाइल सीधी जाती है, तो क्रूज मिसाइल उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती जितना बैलिस्टिक मिसाइल कर सकती है। तो इसमें जो ए वाला है वो गलत है, अग्नि 1 की काफी ज्यादा है
ब्रह्मोस मिसाइल से, और अग्नि 5 की तो 5000 किलोमीटर है, मतलब पूरा का पूरा चाइना अब हमारे उसमें है, मतलब कंट्रोल में है। दूसरा ऑप्शन, जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे जल थल नभ यानी कि एयर वाटर और लैंड तीनों से फायर किया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, और ये भारत की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो एयर वाटर और लैंड तीनों से फायर की जा सकती है। तीसरा, ये एक इंडिजिनस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सबसे पहले तो देखो क्या ये क्रूज मिसाइल है, हाँ है। क्या ये सुपरसोनिक है, हाँ है। सुपरसोनिक मतलब जिसकी जो स्पीड है वो साउंड से ज़्यादा हो, और इंडिजिनस है मतलब क्या हमारी खुद की बनाई हुई है, ये गलत है, तो सी गलत है, इंडिजिनस नहीं है, रशिया की मदद से बनाई है, और रशिया की जो कंपनी है NPOM और भारत का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर बनाई है, तो जॉइंट वेंचर है, इंडिजिनस नहीं है ये। और इसका नाम ही देख लो, BRAH मतलब ब्रह्मपुत्र और MOS मतलब मोस्कवा, जो रशिया के मोस्को शहर में नदी है, तो इसका नाम दो नदियों के नाम पर रखा गया है, ब्रा और मोस, तो ये इंडिजिनस नहीं है, ठीक है। तो इसमें बी ठीक है सिर्फ, तो इसका आंसर है ओनली बी इज करेक्ट, यानी कि फर्स्ट। चले बातें क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ठीक है? और आपको बता दूं ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन यानी WCO का जो एशिया पैसिफिक रीजन है, ठीक है, उसका भारत वाइस चेयरमैन बना है, जिसको बोलते हैं रीजनल हेड। तो सबसे पहला, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है, नहीं ये गलत है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, और ब्रुसेल्स में ही हेडक्वार्टर है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अभी अभी कोलंबिया ने ज्वाइन करा है, कोलंबिया इसको ज्वाइन करने वाला पहला दक्षिण अमरीकी देश बना है नाटो को। दूसरा, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको, इसने जो पूरी दुनिया है उसे 6 हिस्सों में बांटा हुआ है, यानी जो इसकी मेंबरशिप है दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 रीजन्स, यस ये बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल के 25 जनवरी को, नहीं ये गलत है, ये 26 जनवरी को होता है हर साल, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 182 मेंबर हैं, और दुनिया में जो 98% व्यापार होता है वो इन्हीं कंट्रीज के थ्रू होता है जो इसके मेंबर हैं। ये कस्टम मैटर हैं या ड्रग ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कस्टम्स इश्यूज आप समझते होंगे क्या होते हैं, एयर कार्गो के थ्रू या जहाज के थ्रू, पानी वाले जहाज या उड़ने वाले जहाज के थ्रू जब माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उन पे कस्टम्स रूल रेगुलेशन देखना, कस्टम्स ड्यूटीज, और बहुत कुछ कंट्रोल करती है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। और आपको ये भी बता दूं, एशिया पैसिफिक का जो, देखो अब ये 6 रीजन्स हैं तो उनमें एक रीजन एशिया पैसिफिक भी है, WCO ने पूरी दुनिया को 6 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो उसमें एक एशिया पैसिफिक है, और एशिया पैसिफिक का रीजनल हेड बना है इंडिया, जिसको बोलते हैं वाइस चेयरमैन। तो अब इसमें ए जो है वो गलत है, बी ठीक है, और सी जो है इसमें सी भी गलत है, तो आंसर है ओनली बी इज करेक्ट, यानी कि फोर्थ। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इनमें से इफ्को के बारे में क्या ठीक है? ठीक है, सबसे पहला, इफ्को जो है ये एक मिल्क कोऑपरेटिव है, देखो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव बोलते हैं इसे, तो ये मिल्क के लिए नहीं है, मिल्क के लिए तो अमूल और नंदिनी और ये सब है, इफ्को किसके लिए है? रसायन के लिए है, उसके खाद के लिए है, तो आंसर है उर्वरक के लिए है, फर्टिलाइजर, तो ए जो है वो गलत है। इफ्को आई मंडी ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल ठीक है। इफ्को ने क्या करा है, सिंगापुर की एक कंपनी है आई मंडी, तो उसके साथ मिलकर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करा है। इफ्को का जो टारगेट है वो ये है आई मंडी के थ्रू, यानी जो इफ्को आई मंडी मोबाइल ऐप और पोर्टल वेबसाइट जो बनाई है इन्होंने, उसके थ्रू इनका टारगेट ये है कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू $5 बिलियन, $5 अरब की होनी चाहिए अगले 2 साल में इफ्को आई मंडी के थ्रू, और लगभग 5.5 करोड़ किसान इनसे जुड़े हुए हैं इफ्को से, तो सी वाला जो है वो ठीक है। तो इसमें बी और सी ठीक है, आंसर है बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि थर्ड। चले बातें क्वेश्चन नंबर 8 पे। इनमें से जूट क्रॉप के बारे में क्या ठीक है? जूट बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है, हिंदू में प्रॉपर बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, क्यों न्यूज में चल रहा है? देखो महाराष्ट्र ने उसको बैन कर दिया है, पॉलीथीन बैग वगैरह प्लास्टिक को बैन कर दिया है, ठीक है, उड़ीसा ने बैन कर दिया है, और ये हिमाचल प्रदेश ने थर्माकोल और ये सब बैन कर दिया है, मतलब ज़्यादातर जो राज्य हैं एक के बाद एक पॉलीथीन वगैरह को बैन कर रहे हैं। अब अगर पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होगा, थर्माकोल का इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप कैरी बैग किस चीज़ का लेके जाओगे? तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसके किसके पास? जूट के, जो जूट इंडस्ट्री है हमारी, उसके पास, कि भाई वो जूट का जो मतलब उसको बढ़ाए, उसका विस्तार करे, क्योंकि अब प्लास्टिक वगैरह नहीं होंगे तो लोगों को जूट के बने हुए बैग वगैरह जो है वो चाहिएंगे। तो सबसे पहला जो है, भारत में जो जूट कल्टीवेबल एरिया है वो कम है, यानी कि जूट कल्टीवेबल एरिया मतलब भारत में वो एरिया आप हेक्टेयर में ले सकते हो, उसमें ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, जिस पे जूट उगाया जाता है उतना क्षेत्रफल भारत में काफ़ी कम है, ये बिल्कुल ठीक है। वेस्ट बंगाल भारत में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जूट का,
यस, ये एकदम करेक्ट है। और वेस्ट बंगाल चावल का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत में। दूसरे नंबर पे चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी इलाका है, जो जहाँ तराई बोलते हैं जिसे, तो तराई में चावल उगाया जाता है, क्योंकि चावल को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। जो तराई में भारी बारिश आती है तो फुटहिल्स ऑफ हिमालय बोलते हैं इसे तराई को। तो वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का इंडिया में, ये बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है, जब हम जूट के जो धागे होते हैं, जो फाइबर होते हैं, उनको जब हम अलग करते हैं लकड़ी से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। और इसके लिए जूट को हमें जो पानी है उसमें डुबाना पड़ता है, और ये पानी होता है सेलाइन वाटर, यानी नमक वाला पानी होता है। सी ऑप्शन गलत है। ये पानी जो होता है ये फ्रेश वाटर होता है, सेलाइन वाटर नहीं यूज किया जाता रेटिंग ऑफ जूट के लिए। तो सी गलत है इसमें, ए ठीक है और बी भी ठीक है। तो इसका आंसर है ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि थर्ड। आपको बता दूं बांग्लादेश में जूट दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब मैप के दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने मैप का क्वेश्चन नहीं दिया था, और आपको मैप के क्वेश्चन बहुत पसंद है। तो सबसे पहला जो नामीब मरुस्थल है, नामीब ये कोस्टल मरुस्थल है। कोस्टल मतलब समुद्र के पास, तट तट पर है ये। ये है जो अफ्रीका का, जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण हिस्सा है वहां पर। यस, ये करेक्ट है। दूसरा, इसको कालाहारी मरुस्थल भी बोलते हैं। नहीं, कालाहारी मरुस्थल अलग है और ये अलग है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये वाला जो मरुस्थल है बिल्कुल तट के पास, समुद्र के पास, ये है नामीब मरुस्थल। और फिर ये पठार आते हैं, ये जो ग्रीन कलर के हैं, और इसके इस तरफ यानी बोट्सवाना वगैरह में ये जो है, ये है कालाहारी मरुस्थल। तो बी जो है वो गलत है। जो नामीब मरुस्थल है उसका बॉर्डर लगता है इंडियन ओशियन के साथ। नहीं, इसका जो बॉर्डर है वो लगता है अटलांटिक ओशियन के साथ। ये तो अफ्रीका के पश्चिम में है, तो यहां पे इंडियन ओशियन नहीं है, अफ्रीका के पूर्व में है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो सी जो है वो गलत है। ए जो है ठीक है, और सिर्फ ए ही ठीक है, तो आंसर है सेकंड, ओनली ए इज करेक्ट। यहां पे आप देख सकते हो डायग्राम में, ये नामीबिया है, और ये जो मरुस्थल है जो ये ऑरेंज कलर में है, ये है नामीब मरुस्थल, और यहां पे कहीं है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति रहती है जिन्हें बोलते हैं बुशमैन। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, बुशमैन ऑफ कालाहारी। चलिए एक और नक्शे का क्वेश्चन ले लेते हैं। सी ऑफ अजोव, जो अजोव सागर है, अजोव जो समुद्र है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ये ब्लैक सी से कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ब्लैक सी से कनेक्टेड है, नहीं ये गलत है। अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन पता है तो फिर आप मतलब ये पहले वो कर दोगे। और जो अजोव सी है ये इसके दोनों तरफ है, यूक्रेन और रशिया। यस, ये ठीक है, तो इसका आंसर है बी इज करेक्ट। आपको मैप में दिखा देता हूं, ये देखो ये ब्लैक सी है, ठीक है, और ये है सी ऑफ अजोव, ये छोटा वाला, और ये बीच में जो संकरीला पानी का रास्ता है, जब भी कोई छोटा पानी का रास्ता होता है उसे स्ट्रेट बोला जाता है। तो ये सी ऑफ अजोव ब्लैक सी से कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रेट ऑफ कर्च, के ई आर सी एच, और ये जो अजोव सी है इसके एक तरफ है यूक्रेन, दूसरी तरफ है रशिया। और अब हमने 20 तारीख तक खत्म कर दिया है, आज 22 तारीख है, तो बस 21 का बचा है वीडियो। 22 आज संडे, तो मतलब आज का तो रिवीजन वीडियो है, तो एक वीडियो बचा है बस सैटरडे वाला, और वो आज ही अपलोड हो जाएगा 8:30 बजे तक। तो हमारा पूरा जो फिर से हमारा जो बैकलॉग है वो खत्म हो जाएगा। और कई बार जो वीडियोज़ हैं वो टाइम पर नहीं आ पाते, अभी मैं 3 दिन से समझ लो मैं 3 या 4 घंटे ही सो रहा हूँ, क्योंकि जो बेस्ट 200 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़रूरी थे। 28 तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम है, और 4 और 5 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ एग्जाम है, तो बहुत कुछ चल रहा है, मतलब मतलब समझ लीजिए ना दिन का चैन है ना रात की नींद है। खैर, तो देखते रहिए स्टडी आईक्यू। और जाने से पहले हमारी सेल के बारे में भी आपको याद दिला दूं, हमारी जो सेल है कल उसका आखिरी दिन है 23 तारीख, और आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर यूपीएससी के लिए कोई कोर्स खरीदना है तो सबसे अच्छा जो दिन है वो सेल वाला डे होता है, क्योंकि यूपीएससी की जो पेन ड्राइव है वो रिलेटिवली बाकी कोर्सेज से कॉस्टली है। सो वीडियो देखने का आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।